अस्सलामु अलैकुम। रज़ा अली हजवीरी आपकी खिदमत में गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हमारा मकसद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह की मायनास तसनीफ़ कशफुल महजूब की रोशनी में तसव्वुफ़ और मार्फत बयान करना है, जिस किताब के मुतल्लिक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स को भी मुर्शिद कामिल की तलाश हो वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मायानास तसनीफ किताब कशफुल महजूब को पढ़े उसे मुर्शिद कामिल की रहनुमाई मिलेगी। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानास तसनीफ कशफुल महजूब में अपने मुतलिक फरमाया है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा लिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फरमाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हवास पर कब्ज़ा करो। इसका मतलब ये है कि जैसे मर्जी हालात हों, किसी चीज़ की कमी हो या ज़्यादती, लोग मुखालिफ हों या चाहने वाले, रिज़्क की कमी हो या फरवानी, तुम अपने आप को अपने ख्यालात को और अपने हवास को बरकरार रखना, यानी किसी हालात में घबराना नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का वाक़िया है कि किसी ने आपको ख़बर दी कि आपका माली नुकसान हो गया है, तो आपने अपने दिल की तरफ तवज्जो की और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद उसी नुकसान के मुतल्लिक किसी और ने ख़बर दी कि आपका नुकसान नहीं हुआ, तो आपने अपने दिल की तरफ तवज्जो की और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप रहमतुल्लाह अलैह से दोनों हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह पूछी गई तो आपने फरमाया नुकसान की हालत में और नुकसान से महफूज होने की हालत में मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की तो मेरा दिल मुतमईन था, तो मैंने इसकी तरफ से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हवास पर कब्ज़ा करना तो तमाम मुजाहदात की जड़ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रखने से ही मुमकिन है। इसलिए हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ और मार्फत और रूहानियत में सातवें पर्दे के उठने को रोज़े को करार देते हैं, क्योंकि तमाम मालूमात का ज़रिया इंसान के यही पाँच हवास होते हैं जिन्हें हवासे खमसा कहते हैं, आँख कान जुबान नाक और छूना यानी हिस। ये पांच हवास इल्म और अक्ल के सिपा सलार हैं। इनमें से चार जो इनका मकाम मखसूस है लेकिन जो पांचवा है वो पूरे जिस्म पर फैला हुआ है। आँख देखने की जगह पर है जो शक्ल सूरत और रंग को देखती है। कान सुनने का ज़रिया है। अल्लाह ताला की रज़ा अल्लाह ताला की कुर्बत और रूहानियत हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के नेक अमाल करते हैं और हर अमल और नेकी का एक अलग अलग दर्जा और सवाब है। सारे अमाल और नेकियों में सिर्फ एक ही नेकी और एक ही अमल है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के साथ मंसूब करते हुए इसका अजर और नतीजा अपनी ज़ात के साथ जोड़ते हुए फरमाया कि इसका अजर मैं खुद हूँ, और वो अमल है सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा। जो रोज़ा रखता है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इसकी जज़ा खुद हूँ। इसका मतलब ये है कि रोज़ा रखने वालों को अल्लाह ताला खुद मिलते हैं। बाज़ लोग इस हदीस का तर्जमा यूँ करते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा देता हूँ। आप जानते हैं कि हर नेकी का बदला अल्लाह ताला खुद देता है, तो इसलिए इसका मतलब यही बनता है कि रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है और मैं खुद ही इसकी जज़ा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी ज़ात से बेहतर और क्या जज़ा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि रोज़ा वो इबादत है जो बातिन से ताल्लुक़ रखता है, इसका ज़ाहिर से कोई ताल्लुक़ नहीं।
और गैर अल्लाह का इससे कोई दखल अमल नहीं है, इसलिए इसकी जजा ला इंतहा है। कहते हैं कि अल्लाह ताला बहिश्त में अपनी रहमत से लोगों को दाखिल करेगा, लेकिन दर्जात इबादत की वजह से हासिल होंगे और इनके अंदर जो हमेशा हमेशा रहना है वो रोज़े की जजा होगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी जजा हूँ भी कि मैं खुद इसकी जजा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि हक़ ताला ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है। इसलिए हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि रोज़ा निसफ तरीकत है, यानी जो शख्स रूहानियत में किसी भी मकाम तक पहुंचना चाहता है उसको रोज़े की पाबंदी करनी पड़ेगी। रोज़े की शरायत आपके सामने बयान करता हूँ। रोज़े की शरायत बहुत हैं, मसलन पेट को खाने पीने की बजाय आँख को बुरी निगाह और कान को गैर शरा आवाज़ और ज़ुबान को बेहुदा कलाम और गुफ्तार से बचाए और दिल को दुनिया की मोहब्बत से महफूज रखे। इसके बाद वो शख्स रोज़ादार कहलाएगा, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो कान का भी रोज़ा रखें, आँख का भी और हाथ का भी और सारे अज़ा का भी। और आप सल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको उनकी भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं हासिल हो पाता। इसका मतलब है कि रोज़ा सिर्फ भूख और खाने पीने के परहेज़ करने का नाम नहीं है, बल्कि हाथों आँखों और कानों को भी बेहुदा और लगवियात से महफूज रखने का नाम रोज़ा है। इसलिए रोज़ादार को चाहिए कि इन तमाम हवास पर कब्ज़ा रखे ताकि मुखालफत की बजाय मुफाफकत शरा नसीब हो, क्योंकि रोज़े के वक़्त सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करना औरतों और बच्चों का काम है। असल रोज़ा लज़्ज़त नफ्स, लहब व गोई और गीबत का तर्क करना, ना के खाने पीने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से इबादत करने की तौफीक ता फरमाए और रोज़ा रखते हुए तरीकत की मनाजिल तय करने की तौफीक ता फरमाए। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और इस मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।